हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा क्योंकि लाइव चल ही नहीं पा रहा, इंटरनेट का कुछ इशू है। बात करेंगे होप के बारे में। बेसिकली इससे पहले एक और सेशन था दूसरे प्लेटफॉर्म पे और वो भी नहीं हो पाया। कल भी इंटरनेट का इशू रहा तो सारे सेशन ही नहीं हो पाए। कुछ कुछ इशूज बैक टू बैक कई बार आ जाते हैं तो हमें लगता है यार चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं लाइफ में, या कई बार आपको लगता है कि यार फॉर्म आ रहे हैं तो उनको नेगेटिव बता दिया जा रहा है कि यहाँ पे तो कुछ होप ही नहीं है, या फिर एग्जाम की तैयारी करें तो क्या फ़ायदा, एग्जाम तो आएगा नहीं, या फिर उसमें तो बहुत सारी धांधलेबाजियां चलती हैं, या तो बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स हैं देश में जो कि सच में हैं, उनको नकारा नहीं जा सकता, या लाइफ में भी होती हैं हमेशा, कहीं ना कहीं सब जगह ही होती हैं, बट कुछ बेसिक सी प्रॉब्लम्स भी कई बार बड़ी हो जाती हैं। तो बात करेंगे होप पे। पता नहीं क्यों मन किया कि मतलब होप कितनी बड़ी चीज़ है, मुझे फ्रस्ट्रेटेड होना चाहिए था इस बात से बट हो नहीं पा रही हूँ, है ना, कि होप कितनी बड़ी चीज़ है। अभी एक दो दिन पहले किसी का कमेंट भी आया था, मैसेज भी आया था मेरे को कि मतलब इसकी फॉर्म भरें, जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल का आजकल चल रहा है थोड़ा सा, तो नॉट टू क्रिटिसाइज एनीबडी, वो मेरा नेचर है नहीं बहुत फालतू में, बट एक छोटी सी चीज़ मतलब मुझे लगती है और ये शायद मेरे अंदर शायद मेरे फादर से आई है कि अगर होप ही नहीं होगी, मतलब मुझे लगता है कि होप कितनी बड़ी चीज़ है, अगर होप ही नहीं होगी तो फिर तो आप ना कुछ करेंगे, ना आप घर से निकलेंगे, ना कुछ और करेंगे, क्योंकि रोड पे तो एक्सीडेंट हो जाते हैं तो चलने की जरूरत ही क्या है, है ना। या फिर अगर मैं बात करूं तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सब तरह की चीज़ें होती हैं, धांधलेबाजी भी होती हैं, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, तो क्या हम उम्मीद रखना छोड़ दें? यार होप से ही तो जिंदगी चलती है, ऐसे दुनिया कायम है उम्मीद पे, ऐसा कहा जाता है। होप बड़ी चीज़ होती है, कभी भी कितनी भी प्रॉब्लम हो, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू भी है कि होप ढूंढनी चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए इंसान को, तरीके तलाशने चाहिए कि यार कोई बात नहीं, परसिस्टेंट रहेंगे, ठीक है आज नहीं हुआ कल होगा, दूसरे तरीके से ट्राई करता हूँ, कोई बात नहीं, ये वाला इंटरनेट काम नहीं कर रहा नया लगवाते हैं, कुछ और करते हैं, है ना, ये वाली स्ट्रेटजी इस बार काम नहीं की इस वाले एग्जाम में, कोई बात नहीं, एक इंटरव्यू अच्छे से दिया था वहां सेटिंग किसी और की हो गई, कोई नहीं यार नेक्स्ट देखेंगे। इतने सारे मौके हैं, यहां कोशिश करने वालों की कमी है। होप अगर आपके पास है, परसिस्टेंट अगर आप हैं, तो आपकी जो क्यूरियोसिटी है वो आपसे रास्ते तलाश करवा देती है, और जब आप बहुत सारे रास्ते तलाश करते हैं तो 100 में से एक जगह पे तो कामयाबी मिलती ही है। तो कुल मिलाकर के बात यह है, एक मोटिवेशनल वीडियो हो गया है ऐसी सिचुएशन में, कि होप नहीं छोड़ सकते हम, और अपने, क्योंकि हम अगर होप नहीं रखेंगे तो हम एक्शन भी नहीं लेंगे ना, हमारा मन ही नहीं करेगा कुछ अच्छा करने का, क्योंकि हमने तो इतने नेगेटिव बन गए अपने दिमाग में, पेसिमिस्ट बन गए कि करने का कोई फायदा नहीं है यार, दुनिया में तो सब ऐसे ही हो रहा है, या मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, या ऐसा ही होगा, तो जिनके साथ अच्छा हो रहा है उनके साथ कुछ बुरा हुआ ही नहीं होगा इस तरीके से फिर आप ये सोचेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हमें खुद को क्वेश्चन करनी चाहिए, जब भी नेगेटिविटी इतनी ज्यादा सराउंड करे हमें, चाहे वो कोरोना का टाइम हो चाहे कोई और टाइम हो, होप से ही तो चल रहा है, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी है किस चीज की, कौन सी चीज फिक्स्ड है? जिंदगी तो फिक्स नहीं है, नौकरी हमें फिक्स चाहिए, खैर वो एक अच्छी बात है, बट इस चीज को लेके इतना सीरियस हम नहीं ले सकते इन चीजों को कि भैया जिंदगी में होप खो बैठे या इतने पैसिमिस्ट हो जाएं या इधर उधर हम नेगेटिविटी फैलाते फिरें। जो हमारा एक्शन है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हम जो कर सकते हैं वो हम करें, तो वो हम कब कर पाएंगे? जब हम थोड़े से अपने दिमाग में होपफुल होंगे, ऑप्टिमिस्ट होंगे, सही तरीके से चीजें प्लान कर पाएंगे। तो इस सबका जो जड़ निकल के आती है मुझे लगता है होप ही है। होप रखना जरूरी होता है, अच्छा होता है होप रखना, कभी भी बुरा नहीं होता, है ना, गलत कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं बट अपनी तरफ से बेस्ट करना चाहिए, कुल मिलाकर की बात यह है। तो आप भी तैयारी कीजिए, कोई बात नहीं, आज इंटरनेट नहीं चल रहा, कल भी नहीं चला, कल बेशक चल जाएगा, जहां तक है नहीं चलेगा तो मैं कोई और रास्ता निकालूंगी, क्योंकि मुझे लगता है मैं यहां तक जो भी थोड़ा बहुत कर रही हूं उसमें होप का बहुत बड़ा या परसिस्टेंस का बहुत बड़ा रोल रहा है। मुझे याद है एक छोटा सा स्क्रू लेने भी, जिस दिन ये सेटअप हुआ था पूरा लाइव का, एक पहले व्हाइट बोर्ड वाला, चांदनी चौक जाना पड़ा था, और मतलब कितनी सारी ऐसे ऐसे बहुत धक्के खा लिए हैं ऑलरेडी छोटी छोटी चीजों के लिए, क्योंकि स्क्रैच से चीजें खुद बिल्ड की हैं, कोई सर्वे नहीं था, ना कोई कहने को था, ना किसी को आसपास कोई फर्क पड़ता है कि जो मुझे करना है वो, क्योंकि आपके सपने आपके हैं ना, किसी और ने थोड़ी ठेका ले रखा है, घर वालों ने थोड़ी ठेका ले रखा है, वो एक हद तक बस इतना सोच लेंगे ठीक है यार आप सर्वाइवल अच्छा कर जाओ, नौकरी अच्छी लग जाए, आप कुछ अच्छा करोगे तो बुरा किसी को नहीं लगेगा एटलीस्ट घर में, तो बट आपके सपनों की जिम्मेदारी आपकी है। तो होप बना के रखिए, कोई भी एग्जाम हो उसको टारगेट कीजिए, या लाइफ में जो भी आगे सिचुएशन है प्लान कीजिए चीजों को होप के साथ, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, उसके नेगेटिव्स भी देख के एक्सेप्ट करके, और फिर होपफुल रहना कि नहीं यार कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं से मैं रास्ता निकाल लूंगा, और मेहनत बेकार नहीं जाती सबसे बड़ी बात। तो ऑप्टिमिज्म बहुत जरूरी है। चलिए फिर कल मिलेंगे, बहुत लंबी बात हो गई है, पता नहीं मैंने किस बेसिस पे क्या मेरे दिमाग में आया एकदम से, है ना, चलो फिर टेक केयर, क्योंकि मैं भी आराम से पूरा सारा सेटअप किया, और होता ही है यार आप पीपीटी बना रहे हो या पीडीएफ बना रहे हो उसके बाद एक प्रॉपर सेटअप में आप खड़े हो गए हो आकर के, ऐसा बहुत बार होता है, तो प्रॉब्लम्स तो सभी की लाइफ में आती हैं। खुश रहिए, मिलते हैं कल होपफुली, अगर ये नेटवर्क चल जाता है, प्रॉब्लम्स हमेशा रहती हैं और बस फर्क उतना ही है कि हम उनको देखते कैसे हैं, और विश्वास रखना जरूरी है यार, हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, वैसे भी क्या है खोने को, है, चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर। ये थोड़े बहुत मेरे थॉट्स थे, थोड़े बहुत आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कल मिलेंगे, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना।